The golden swan. Dear kids, look at the object. Can you name this bird? It is a swan. And what is the color of this bird? Yes, it is having striking golden feathers. Gold. Okay, now look at this picture. Can you talk about this picture? What's going on in this picture? A boy is helping the other boy. प्यारे बच्चों, जब कोई किसी की मदद करता है तो जिसकी मदद की जाती है उसे बदले में कैसा रवैया इख्तियार करना चाहिए? उसे बदले में मदद करने वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए। आप अपना बताइए, जब कोई आपकी मदद करता है तो क्या आप उसके शुक्रगुजार होते? कहीं ऐसा तो नहीं कि जब कोई आपकी मदद करता है तो आप उल्टा उसको नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचते हैं। आइए बढ़ते हैं आज की कहानी की जानिब, और इसमें हम सीखेंगे, हम जानेंगे कि एक परिंदे ने एक गरीब खानदान की मदद की और उस गरीब खानदान ने बदले में उस परिंदे के साथ क्या किया। Once upon a time, there lived a swan in a pond. It had a graceful neck and striking golden feathers. There was a hut near the pond where a poor widow lived with her two daughters. The swan always felt sad for the poor family. जी बच्चों, क्या हुआ कि एक तालाब के किनारे एक स्वान रहता था, ठीक है, और उसकी गर्दन कैसी थी? खूबसूरत। और उसके परों का रंग कैसा था? गोल्डन, सुनहरा। उसी पॉन्ड के करीब एक गरीब बेवा औरत रहती थी और उसकी दो बेटियां थी। वो जब भी, यानी जो स्वान था, वो इस गरीब खानदान को देखता उसे बहुत दुख होता। आगे देखते हैं कहानी में क्या हुआ। One day the swan saw the little girls crying with hunger. He thought, if I give them a golden feather each day, the widow can sell them. She and her daughters can live in comfort with some money. Thinking this, the swan flew to the poor widow's house. On seeing the swan inside her house, the widow sadly said, "Why have you come here? We are very poor. We have no food to offer you." प्यारे बच्चों, एक दिन उस स्वान ने, परिंदे ने, छोटी बच्चियों को भूख से रोता हुआ देखा। उसने सोचा कि अगर मैं इस खानदान को रोजाना अपना एक सोने का पर दे दूं तो क्या होगा, वो बेवा इसको बेचकर अपनी और अपने बच्चियों के लिए रोटी खरीद सकती है और वो लोग आराम से जिंदगी गुजार सकते हैं। जी बच्चों, आपको क्या लगता है कि क्या स्वान का फैसला ठीक था? और अगर आप उस स्वान की जगह होते तो क्या आप भी यही फैसला करते? अब जनाब, क्या हुआ कि ये सोच कर वो स्वान जो था वो बेवा के घर चला गया। जब बेवा ने उसको अपने घर के अंदर देखा तो उसने कहा कि आप यहाँ क्यों आए हो, क्योंकि हम तो बहुत गरीब हैं, हम तो आपको खाना नहीं दे सकते। द स्वान रिप्लाइड, स्वान ने जवाब दिया, आई हैव नॉट कम हेयर टू टेक एनीथिंग, मैं यहाँ से कुछ लेने नहीं आया, इंस्टेड बल्कि आई एम हेयर टू गिव यू समथिंग, मैं आपको कुछ देने आया हूँ। आई एम अवेयर ऑफ योर पॉवर्टी, मैं आपकी गुर्बत से वाकिफ हूँ। अवेयर ऑफ वाकिफ, पॉवर्टी मीन गुर्बत। आई वॉन्ट टू गिव अ गोल्डन फैदर फ्रॉम माई बॉडी एवरी डे सो डैट यू कैन सेल इट एंड अर्न सम मनी, देन यू कैन लीड अ बेटर एंड कम्फर्टेबल लाइफ। उसने क्या कहा कि मैं आपकी गुर्बत से आगा हूँ, मैं आपको हर रोज अपने जिस्म का एक पर दूंगा और आप उसको बेच कर आरामदेह और बेहतर जिंदगी गुजारें। आफ्टर सेइंग दिस, ये कहकर द स्वान शेड वन ऑफ इट्स फैदर एंड फ्लू अवे। द पुअर विडो एंड हर डॉटर वर थ्रिल्ड एट देयर गुड लक। द स्वान केम टू देयर हाउस एवरी डे एंड शेड वन गोल्डन फैदर। द विडो एंड हर डॉटर्स बिकेम रिच बाय सेलिंग द गोल्डन फैदर्स। ईच गोल्डन फैदर fetched them enough money to live in comfort. Some month passed. The widow became greedy. She wanted more money. तो बच्चों, क्या हुआ कि ये कहकर जो स्वान था उसने अपने परों में से एक पर गिरा दिया और जो बेवा थी और उसकी बच्चियां थी वो बहुत खुश हो गई अपनी खुशकिस्मती पर। अब स्वान हर रोज आता और उनको एक सोने का पर देकर चला जाता और वो ये पर बेच बेच कर अमीर हो गई, और क्योंकि उनको पर बेचने से पैसे मिलते थे। बहुत महीने गुजर गए। अब जो विडो थी, बेवा थी, वो लालची हो गई, उसको और पैसे चाहिए थे। तो आई वॉन्ट यू टू थिंक वट इज गोइंग टू बी हैपन इन द स्टोरी, कहानी में क्या होगा। One day she said to her daughters, we should not trust this swan. It can fly away and never come back. If this happens, we will be poor again. Let us take all his feathers when he visits our house the next time. The daughters were kind girls. They said, but mother, this will hurt the swan. We should not cause any pain to the swan. It has helped us. But the widow was determined to catch hold of the swan the next time. When the swan came, the widow caught it and pulled out all its feathers. As soon as the widow did this, the golden feathers of the swan changed into ordinary feathers. The widow was shocked to see the ordinary feathers. Gee,
क्या हुआ? बच्चियां जो थी वो नरम दिल थी और उन्होंने अपनी माँ को मना किया। क्यों मना किया? क्योंकि उनको इस चीज का एहसास था कि परों के नोचने से स्वान को दर्द होगा और उनको उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उसने उनकी मदद की थी। लेकिन जो बेवा थी वो तुल गई थी इस बात पर कि वो इस स्वान को पकड़ लेगी। फिर यही हुआ, वो आया और उसने उसके पर नोच दिए। लेकिन जैसे ही उसने पर नोचे, वो जो सोने के पर थे वो आम परों में तब्दील हो गए। अब क्या हुआ, वो विडो जो थी, वो बेवा जो थी, वो ये देखकर हैरान रह गई। द गोल्डन स्वान सेड टू द विडो, पुअर वुमन, आई हेल्प यू एंड यू ट्राई टू किल मी। आई यूज टू गिव यू अ गोल्डन फैदर एवरी डे। यू अर्न लॉट ऑफ मनी बाय सेलिंग माई गोल्डन फैदर्स। नाउ आई थिंक देर इज नो नीड टू हेल्प यू। आई एम गोइंग फ्रॉम दिस प्लेस एंड विल नेवर कम बैक। द विडो फेल्ट सॉरी एंड अपोलोजाइज फॉर हर मिस्टेक। द गोल्डन स्वान जस्ट सेड डोंट बी ग्रीडी एंड फ्लू अवे। अब क्या हुआ कि गोल्डन स्वान ने क्या कहा बेवा से? उसने कहा कि ए गरीब औरत, मैंने तेरी मदद की और तुमने मुझे मारने की कोशिश की। मैं तुम्हें हर रोज अपना एक सुनहरा पर देता था, तुमने मेरे पर बेच बेच कर काफी पैसे कमाए, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं है। मैं इस जगह से जा रहा हूँ और मैं कभी भी वापस नहीं आऊंगा। अब क्या हुआ, बेवा को गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी गलती की माफी मांगी। लेकिन क्या हुआ कि जो स्वान था उसने कहा कि आइंदा लालच मत कर या कभी भी लालच मत करना, और वो उड़ गया। जी, क्या विडो ने जो कुछ स्वान के साथ किया वो ठीक था? स्वान उड़ के चला गया, क्या उसने ठीक किया? यस, उसने बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि बुढ़िया को लालच ने आन घेरा था और जो शख्स भी लालच करता है वो अपना नुकसान खुद करता है। सो डोंट बी ग्रीडी।